वेलकम बैक दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल एटीजे एजुकेयर में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट बहुत लोगों को पता था, बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब से एक वेब सीरीज स्कैम 1992 आया तब से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को लेकर बहुत एक्टिव हो गए। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, आप यूज करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन मैं जिस चीज़ों को स्टडी किया हूँ, जिससे मैं सीखा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में आप प्रॉफिट भी बहुत गेन कर सकते हैं, लॉस भी बहुत आपको हो सकता है। तो इस वजह से आप समझ के चलिए। देखिए कभी भी जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है शेयर मार्केट में, ये नहीं कि आपने सेम 1992 मूवी देख लिया तो आप शेयर चालू कर दिए, ट्रेडिंग करना चालू कर दिए। आप उसका नॉलेज नहीं है तो आप उसको नहीं, सबसे पहले होता है उसकी स्टडी। आप पहले उसके स्टडी कीजिए, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, ये सब चीज़ों को आप जानिए, छोटी छोटी चीज़ों को उसमें जानिए। और कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल लीजिए और फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन हाँ, बिना नॉलेज का अगर दोस्तों आप उतरोगे इसमें तो ज़रूर आप नुकसान में ही जाओगे, 100% आप नुकसान में जाओगे। तो इसकी कुछ छोटी सी प्लानिंग होती है, वो क्या होती है, देखिए कोई भी नया जो सीखने वाला आता है, जो इंट्राडे में या डिलीवरी में खेलता है, उसकी जो प्लानिंग होती है 5%। आप कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में मत जाइए, छोटे प्रॉफिट में खेलिए। छोटे प्रॉफिट का मतलब अगर 5% भी आपको मुनाफा होता है तो आप निकल जाइए। हाँ, लेकिन लॉस भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लॉस हो रहा है तो आप ये मार्जिन रख के चलिए कि मैं 5% लॉस होगा तो मैं इस मार्केट को छोड़ दूंगा। तो इंट्राडे में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्राडे में ना खेलें। अगर आपको ऑप्शन मार्केट अच्छे से आता है तो आप उस पर खेल सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क बहुत है। हाँ, इंट्राडे में अगर आपको खेलना है तो आपको मार्केट स्टडी पूरी करनी पड़ेगी और मार्केट के बारे में आपको पता होना पड़ेगा। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज़ होती है डिलीवरी में खेलना। डिलीवरी में आपका क्या फ़ायदा होता है, आपने कोई स्टॉक खरीद के रख दिया, खरीदने के बाद क्या होता है, अगर वो स्टॉक गिरा तो आपके हाथ में, आपने उसको डिलीवरी में खरीदा है तो आप जरूरी नहीं आप उसको बेचो, आप क्या करो पड़े रहने दो, जब वो स्टॉक की कीमत बढ़ेगी तब आप बेचना। तो इस वजह से अगर आप अभी शेयर मार्केट में उतरना चाह रहे हो और आप नए हो तो प्लीज़ मैं बोलूँगा आप इंट्राडे में ना खेलें, और अगर खेलें तो कम लॉस और कम प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ और जानकारियाँ मैं देना चाहता हूँ। किसी भी के ऊपर, किसी भी दोस्त हो या कोई भी आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है कि मैं कॉल देता हूँ आप उससे जीत जाओगे, आप लगा लो, तो आप किसी पे विश्वास मत करो। देखो ये एक जो स्ट्रेटजी है वो अपने हिसाब से चलती है, किसी को इस पर पता नहीं है, बस सबने स्टडी किया है उस हिसाब से उसको फॉलो करते। तो आप भी पहले इसको जानो, ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त है आपको कॉल दे रहा है आप आँख बंद करके उसको खरीद ले रहे हो। तो आपने स्कैम 1992 जब सीरीज देखा होगा तो आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से देखा होगा, उसका एक दोस्त रहता है उसको ट्रेडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है और वो क्या करता है, हर्षद मेहता के बोलने पे पैसा डाल देता है, बाद में लॉस होता है तो कैसे वो बोलता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कभी भी अपने दोस्तों के या किसी भी कंपनी का, आपको देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे तो लाखों लोग का आपको कॉल आएगा कि मैं आपको क्या करूँगा, आपको कॉल दूंगा, आप अगर जीतोगे तो 20% 10% मुझे दो। लेकिन आपको ये करना नहीं है, आप पहले उस चीज़ों को सीखें और खुद अपने दिमाग से, आपको अगर बार ग्राफ पसंद आता है कि आपको बार ग्राफ समझ में आता है तो उसको स्टडी कीजिए, कैंडल स्टिक आपको अच्छा लगता है या कैंडल स्टिक आपको समझ में आता है तो वो देखो, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी होता है वो अगर आपको समझ में आता है वो करो। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मार्केट को कितना डीपली जान रहे हो। देखो और शेयर मार्केट में दो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जरूरी नहीं हर बार बाय करने पर ही आप प्रॉफिट कमाओ। तो जो अच्छा खेलने वाला होता है, जो अच्छा ट्रेडिंग करने वाला आदमी होता है, वो क्या करता है, जब आपको लगता है कि कोई मार्केट गिरने वाला है, जैसे आपको लगा कि HDFC बैंक आज गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले HDFC को क्या करोगे, सेल करोगे। ये उल्टा प्लान होता है। सेल करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 10 रुपये में कोई शेयर लिया, 10 रुपये में सेल आपने कर दिया उसको, 10 रुपये में आपने सेल किया, बाय नहीं, याद रखना 10 रुपये पे आपने सेल कर दिया, वो स्टॉक की कीमत 5 रुपये हो गई। तो फिर जब 5 रुपये हो गए तो पहले उसी स्टॉक को आप क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। तो आपका डिफरेंस कितना हुआ, 5 रुपये का, मतलब एक स्टॉक में आपको 5 रुपये का फायदा हो गया। देखो बहुत सारे लोग को जो स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि वो सिर्फ ये सोचते बाय कर लिया, जब बढ़ेगा बेच दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सेल करके और बाद में बाय करके जब मार्केट गिरे उससे भी फायदा आप कमा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में आप क्या बाय ही करके कमाओ, बाय ही करने पे कमाओ, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट गिरता है हमको पहले से वो चीज़ पता रहती है तो हम उसको सेल करते हैं, बाद में जब वो गिर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो बाय कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी ट्रेडिंग अकाउंट चालू किए हो और ट्रेडिंग में आप क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो आप किसी के बातें भरोसा मत करो, आप खुद
गूगल पे जाके क्रोम पे एनएससी टाइप करो और या जिस भी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो उसके अंदर उसमें सारे डिटेल दिया हुआ है। ओके, और आपको मैं बताऊंगा, आप अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट करो, मिनिमम 1000 रुपीज आप डालो। इससे क्या होगा, अगर वो इनकेस आपका नुकसान भी होता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं वो सीखने के लिए डाला हूँ, वो पैसा मेरा फीस चला गया, मैंने सीखने के लिए वो फीस दे दिया। तो ज्यादा अमाउंट डाल के आप स्टार्ट मत करो, पहले सीखने के लिए आप थोड़े अमाउंट डालो और फिर सीखो। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप कभी भी याद रखना ब्रैकेट ऑर्डर लगा के ही खेलो। ब्रैकेट ऑर्डर क्यों लगाना जरूरी है, आप शुरुआती हो, आपको पता नहीं कि मार्केट में कितना उछाल होता है कितना गिरावट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पॉइंट बढ़ेगा और मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊं या एक पॉइंट गिरेगा तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, तो इसको ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर लगा के खेलने पे क्या होता है, आदमी को ये पता चलता है, नए जो खेलने वाले, पुराने को तो सब पता है उनको नहीं, लेकिन उनको ये पता चलता है कि मेरा लॉस ज्यादा ना हो प्रॉफिट ज्यादा हो। इनकेस अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका नेटवर्क चला गया, तो ये सब चीजों में ब्रैकेट ऑर्डर बहुत काम करता है। ऐसे पूरा आप कोई भी जीरोधा खोल रहे हो, स्टॉक खोल रहे हो, वो खोल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करो, फाइव पैसा यूज कर लो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप मार्केट को कितने अच्छे से समझ रहे हो वो मैटर करता है। तो आप कभी भी, मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी इंट्राडे में अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अभी शुरू शुरू में आप पहला अभी शुरुआत कर रहे हो इंट्राडे में, मतलब सॉरी ट्रेडिंग में उतरने के लिए, तो आप इंट्राडे में दिमाग मत लगाइए। हाँ, आपके पास पैसा है उसको आप डिलीवरी में खेलिए, डिलीवरी में आपका नुकसान नहीं होगा, ये होगा जब आपका नुकसान होगा तो आप उसको मत बेचो, पड़े रहने दो साल दो साल। देखिए किसी भी स्टॉक का कीमत जीरो नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो स्टॉक का वैल्यू जीरो होने वाला नहीं है, इसका मतलब आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब डिलीवरी में आप खेलो और जब मार्केट बढ़े तो उसको बेच के निकल जाओ। हाँ, आप जब सीख गए हो, आपने खेलते खेलते आपने इतना प्लानिंग कर लिया कि अब आप जो करोगे उसमें हाँ हो सकता है कि मैं इसमें प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तब आप इंट्राडे में उतर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा बताया हुआ टिप्स आपको पसंद आया रहेगा, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।